हॉथोर्न कैलिफोर्निया में आपको कोई भी रॉकेट इंजीनियर, इवन कोई भी एडल्ट देखने को नहीं मिलेगा। इवन बहुत से लोगों को ये भी नहीं पता कि इलॉन मस्क काफ़ी समय से अपने बच्चों के लिए एक स्कूल भी चला रहे हैं, जिसे उन्होंने अपनी स्पेसएक्स रॉकेट फैक्ट्री में बनाया है, जहां इलॉन के सभी बच्चे स्कूल जाते हैं, जिसमें इलॉन के सबसे छोटे बेटे लिटिल एक्स इंक्लूडेड नहीं हैं। शुरुआती समय में इलॉन के बच्चे स्पेशल बच्चों के लिए बनाए गए प्राइवेट स्कूल में जाते थे, जो स्पेशली बिलियनेयर लोगों के बच्चों के लिए बनाया गया है। बट इलॉन एक प्राइवेट स्कूल में दी जाने वाली एजुकेशन से सेटिस्फाइड नहीं थे, भले ही वो स्कूल काफ़ी एक्सपेंसिव या फिर स्पेशल बच्चों के लिए ही क्यों ना हो, जिसके बारे में इलॉन मस्क ने फर्स्ट टाइम एक चाइनीज टेलीविजन शो में अपना ओपिनियन शेयर किया। Actually, I created a little school. Yeah. What kind of school? Could you describe to us? Sure. It's small. It's only got 14 kids now, and it'll have 20 kids in September. It's called Ad Astra. No, I just didn't see that the regular schools they weren't doing the things that I thought should be done. Like, you know, those two principles, they weren't adhering to those principles. So I thought, well, let's see what we can do. Maybe creating a school will be better. और इलॉन ने ये भी कहा कि वो अपने बच्चों को वो एजुकेशन देना चाहते हैं जो ये रेगुलर स्कूल प्रोवाइड नहीं कर पा रहे, जिस कारण इलॉन मस्क अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम को अप्रिशिएट नहीं करते। जैसे कि टीचर्स कभी भी स्टूडेंट्स को ये एक्सप्लेन नहीं करते कि वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को क्यों पढ़ा रहे हैं, या फिर किसी स्टूडेंट को उनका सब्जेक्ट क्यों स्टडी करने की ज़रूरत है। जैसे कि यदि किसी स्टूडेंट को मैथ्स का कोई भी फॉर्मूला समझाया जाता है या फिर लर्न करने को कहा जाता है, तो उस स्टूडेंट को फॉर्मूले की सिग्निफिकेंस बताई जानी चाहिए। सेम जैसे हम इंडियंस अपनी एजुकेशन सिस्टम को ब्लेम देते हैं, इसी तरह इलॉन ये भी कहते हैं कि यदि एक स्टूडेंट किसी इंजन को ओपन करने के बारे में केवल थ्योरी लेक्चर अटेंड करता है, तो उस स्टूडेंट को कोई भी प्रैक्टिकल परफॉर्म करने में कोई भी मदद किसी लेक्चर को ओनली सुनने से नॉलेज प्रोवाइड नहीं करेगी। जिसे समझने के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि टीचर्स स्टूडेंट्स को स्टेप बाय स्टेप खुद प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करने में हेल्प करें, जिसमें स्टेप बाय स्टेप स्टूडेंट्स को एवरी टूल की इंपॉर्टेंस और नीड ऑलरेडी समझ आने लगे। एंड ऐसे ही ड्रॉबैक्स के कारण इलॉन अपने बच्चों को सोसाइटी में मौजूद सेम तरह के स्कूल्स में स्टडी करने के लिए भेजना नहीं चाहते थे। चाहे रॉकेट्स, कार्स या फिर कंप्यूटर चिप्स बनाने की बात हो, इलॉन मस्क ऑलवेज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड कर ही लेते हैं। इसलिए इलॉन मस्क ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया और उन्होंने एड एस्ट्रा नाम के एक स्कूल को अपनी रॉकेट फैक्ट्री में बनाना शुरू कर दिया। एड एस्ट्रा एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है टू द स्टार्स, जो इलॉन के स्पेस विजन को काफ़ी अच्छे से मैच करता है। एड एस्ट्रा के रेडी होते ही इलॉन को उनके बच्चों के लिए ऐसे टीचर्स चाहिए थे जो उनके बच्चों को वो एजुकेशन प्रोवाइड कर सके जो इलॉन मस्क चाहते थे, जिसके लिए इलॉन मस्क ने अपने बच्चों के प्राइवेट स्कूल में से ही एक टीचर को उनके आइडिया के बारे में बताया। और सून लेटर जिस टीचर के साथ इलॉन मस्क ने अपने विजन को शेयर किया, वो टीचर इलॉन के बच्चों को उनके स्कूल में टीच करने के लिए रेडी हो गए, जिनका नाम था जॉर्ज डैन, जो एड एस्ट्रा के को फाउंडर माने जाते हैं। एड एस्ट्रा एक नॉर्मल स्कूल से काफ़ी डिफरेंट है, बिकॉज एक नॉर्मल स्कूल में बच्चों को उनकी एज के अकॉर्डिंग क्लासेस दी जाती हैं, जिन क्लासेस में स्टूडेंट्स म्यूजिक, लैंग्वेज, स्पोर्ट्स जैसे रेगुलर सब्जेक्ट्स भी स्टडी करते हैं। बट एड एस्ट्रा में ऐसा नहीं है, बिकॉज एड एस्ट्रा में स्टूडेंट्स को अपनी मदर टंग लैंग्वेज की जगह कोई भी दूसरी लैंग्वेज लर्न करने की ज़रूरत नहीं होती। साथ ही एड एस्ट्रा में कोई भी म्यूजिक, स्पोर्ट्स जैसी क्लासेस भी नहीं हैं। बट यदि इलॉन के स्कूल में बच्चों को एज के अकॉर्डिंग क्लासेस नहीं दी जाती, तो उनके स्कूल में पढ़ रहे बच्चे किस बेसिस पर एजुकेट किए जाते हैं? वेल, द आंसर इज एड एस्ट्रा में एज के अकॉर्डिंग नहीं, बल्कि सेम लेवल की एबिलिटीज के बेसिस पर स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया जाता है, जिसमें सभी ग्रुप के बच्चे दूसरे ग्रुप के बच्चों के साथ कॉम्प्लेक्स गेम को सबसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जो किसी भी तरह से नॉर्मल गेम्स नहीं होते। एड एस्ट्रा में बच्चों के लिए ऐसे गेम्स डेवलप किए जाते हैं जो उनके क्रिटिकल थिंकिंग्स को डेवलप करने में हेल्प करे। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एड एस्ट्रा के स्टूडेंट्स ने एक साथ आपस में बेस्ट तरह के आर्ट कलेक्शन बनाने के कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया, जो पूरी तरह से यूनिक थे, जिन्हें अराउंड द वर्ल्ड आर्ट एग्जीबिशन में शो किया गया था। इस तरह के कॉम्पिटिशन के कारण एड एस्ट्रा के टीचर्स अपने स्टूडेंट्स की क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करने पर काम करते हैं, और साथ ही एड एस्ट्रा के टीचर्स उन चीज़ों को भी नोटिस करते हैं जिनके बेसिस पर उनके स्टूडेंट्स ने किसी पर्टिकुलर आर्ट को कंपटीशन में सिलेक्ट किया था। इस तरह का कंपटीशन सुनने में ज़रूर इजी लग रहा है, बिकॉज अभी तक हम किसी अच्छी चीज़ को सिलेक्ट करना काफ़ी इजी समझते आए हैं, जो एक बार देखने पर ही अच्छी लगने लगे। बिकॉज यदि हमसे कोई किसी आर्ट को सिलेक्ट करने का रीज़न पूछे, तो मोस्टली बहुत से लोग यही कहेंगे कि ये पेंटिंग दिखने में अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने इस आर्ट को सिलेक्ट किया। बट इस तरह के नॉर्मल आंसर से हटकर सोचने की स्किल डेवलप करने के लिए ही इलॉन मस्क ने अपने बच्चों के लिए एड एस्ट्रा जैसा स्कूल बनाया है, जहां बचपन से ही उनके बच्चे अच्छी स्किल्स डेवलप करना शुरू कर दें। इलॉन मस्क ऑलवेज एड एस्ट्रा के थ्रू एक प्रिंसिपल पर मेनली फोकस करना चाहते थे, जो है रीजनिंग।
जिसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि किसी सेम चीज को अनदर वे मीनिंग दूसरी तरह से कैसे करें कि वो पहले से बेटर और इफेक्टिव तरीके से किया जा सके। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस तरह का प्रिंसिपल या फिर स्ट्रेटजी इलॉन मस्क अपनी दूसरी कंपनी टेस्ला की बैटरीज बनाने में भी इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज पहले इलेक्ट्रिक कार्स के लिए बैटरी बनाना काफ़ी एक्सपेंसिव हुआ करता था। एंड जब इलॉन मस्क ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कार इंडस्ट्री में मौजूद लोगों से बात करनी शुरू करी तो सभी लोगों का कहना था कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया जा सकता एंड इलेक्ट्रिक कार्स की बैटरीज हमेशा एक्सपेंसिव ही रहेंगी। बट इलॉन मस्क ने अपनी फर्स्ट प्रिंसिपल की मदद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश शुरू कर दी, जिसमें सबसे पहले इलॉन मस्क ने ईवी कार्स की बैटरीज को बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली सबसे बेसिक चीज़ों से शुरुआत की, ताकि वो बैटरीज में उन चीज़ों को इस्तेमाल कर सके जो किसी दूसरी लेस एक्सपेंसिव चीज़ों के साथ रिप्लेस की जा सके, जो इस्तेमाल में सभी नॉर्मल बैटरीज की तरह ही हों बट न्यू बैटरीज को बनाने में पहले से कम पैसों की ज़रूरत पड़े। इस तरह इलॉन के लिए इस प्रिंसिपल की मदद से स्टूडेंट्स के लिए ये फाइंड आउट करना इंपॉर्टेंट था कि उनके स्कूल में स्टडी करने वाले सभी स्टूडेंट्स, फिलहाल के लिए उनके सभी बच्चों को एजुकेशन का बेसिक मोटिव पता हो और कैसे उनकी एजुकेशन उनके और वर्ल्ड के लिए फ्यूचर में हेल्पफुल रहेगी। एड एस्ट्रा की शुरुआत के फर्स्ट वीक 2014 में एड एस्ट्रा में ओनली 9 स्टूडेंट स्टडी कर रहे थे, जो 6 ईयर्स लेटर 50 बच्चों का स्कूल बन गया, जहां पर अब स्पेसएक्स के एम्प्लॉयज और एड एस्ट्रा के आसपास मौजूद एरिया में मौजूद हाई अचीवर्स यानी कि वो लोग जो मोस्टली इलॉन जैसी थिंकिंग रखते हैं उनके बच्चे एक साथ स्टडी कर रहे हैं। समटाइम्स एड एस्ट्रा में स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री प्रैक्टिकल के लिए ऑफ कैंपस ले जाया जाता है, जो कि एक्चुअली में एक अमेरिकन एक्टर जीन वाइल्डर के गैराज में बनाई गई केमिस्ट्री लैब की तरह इस्तेमाल की जाती है। इस तरह की यूनिक एजुकेशन स्टाइल ऑब्वियसली काफ़ी एक्सपेंसिव है, जिसमें एवरी स्टूडेंट की एनुअल ट्यूशन फी अराउंड $30,000 बताई जाती है। बट काफ़ी जल्द 2020 में ऐसा टाइम भी आया जब सभी स्कूल्स की तरह ही इलॉन के स्कूल एड एस्ट्रा को भी बंद करना पड़ा। बट सून लेटर इलॉन मस्क ने एड एस्ट्रा को एक ऑनलाइन स्कूल में कन्वर्ट कर दिया, जिसे नाम दिया गया एस्ट्रा नोवा, जिसका प्रिंसिपल एड एस्ट्रा के को फाउंडर जॉस डैन को बनाया गया। सिंस इलॉन के बिजी स्केड्यूल और फ्री टाइम के ना रहते, स्पेसएक्स के सीईओ इलॉन मस्क एड एस्ट्रा और एस्ट्रा नोवा पर पर्सनली ध्यान नहीं देते, बट इलॉन के स्कूल में हो रही सभी चीज़ों में इलॉन इनडायरेक्टली जरूर इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि इलॉन मस्क ने अपनी कंपनी स्पेसएक्स के एक रिटायर्ड रॉकेट इंजीनियर को अपने स्कूल में पढ़ रहे बच्चों को रॉकेट इंजीनियरिंग पढ़ाने के लिए रखा हुआ है। इवन इलॉन का स्कूल ऐसी चीज़ों पर भी फोकस करता है जो बच्चों को यंग एज से ही एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए रेडी करे। जैसे कि यदि किसी छोटे टाउन के पास मौजूद एक लौता पानी का सोर्स फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल वेस्ट के कारण पॉल्यूट होने लगता है और टाउन में रहने वाले पॉलिटिशियंस को इसके बारे में फेक पॉजिटिव न्यूज़ फैलाने के लिए फैक्ट्री ऑनर्स पैसा देना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद टाउन के पॉलिटिशियंस कुछ साइंटिस्ट को पानी का टेस्ट करने को कहते हैं, बट टेस्ट में आए रिजल्ट की सच्चाई की जगह पॉलिटिशियंस फेक रिजल्ट को टाउन में रहने वाले लोगों तक पहुंचाने को कहते हैं, ताकि फैक्ट्री के ऑनर्स और पॉलिटिशियंस अपना काम कंटिन्यू रखें और टाउन में रहने वाले लोगों को इसके बारे में कुछ ना पता चले। टाउन के पॉलिटिशियन जिनके पास ऐसी मिस्टेक को होने से रोकने के लिए पूरी पावर थी, वो पॉलिटिशियन फैक्ट्री ऑनर्स के पैसों के कारण नॉर्मल लोगों की हेल्थ पर पड़ने वाले इफेक्ट को इग्नोर कर देते हैं, जिसके बाद समय रहते लोगों को इस प्रॉब्लम की मिस्टेक के बारे में पता नहीं चलता और आने वाले टाइम तक टाउन का इकलौता पानी का सोर्स पूरी तरह से खराब हो जाता है। आपके अकॉर्डिंग इस तरह की सिचुएशन में आप क्या करेंगे और ऐसी गलतियों का रिस्पॉन्सिबल कौन है? इस तरह की सिचुएशन से जुड़े क्वेश्चंस का आंसर इलॉन के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों से पूछा जाता है, जो उनकी मेंटल डेवलपमेंट पर फोकस करता है। इलॉन अपने स्कूल के बच्चों में इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इसलिए डेवलप नहीं करवाना चाहते जस्ट बिकॉज फ्यूचर में उनके स्कूल में स्टडी करने वाले बच्चे हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करें, बल्कि इलॉन के लिए कॉलेज डिग्री बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि टेस्ला जब कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जॉब के लिए इंटरव्यू लेती है, तब टेस्ला कभी भी इंटरव्यू के लिए आए कैंडिडेट्स की कॉलेज डिग्री को ध्यान में रखकर उनको जॉब ऑफर नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, आज वर्ल्ड के स्मार्ट लोगों की लिस्ट में कुछ नाम ऐसे भी हैं जो कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, जैसे कि बिल गेट्स एंड स्टीव जॉब्स। इसलिए इलॉन इंटरव्यू में आए किसी भी कैंडिडेट को कॉलेज डिग्री के बेसिस पर नहीं, एक्सेप्शनल एबिलिटी के एविडेंस के बेसिस पर अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करते हैं। इसलिए इलॉन अपने स्कूल में स्टडी करने वाले बच्चों को ऐसी ही एबिलिटी के साथ ग्रो करता देखना चाहते हैं। इवन इस तरह का कॉन्सेप्ट वर्ल्ड में सभी बच्चों के लिए ऑनलाइन मौजूद है, जिसे सिंथेसिस कहा जाता है, जहां स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड एक साथ अपनी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एक साथ डेवलप कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपके अकॉर्डिंग इलॉन का स्कूल वर्ल्ड में सभी प्राइवेट और पब्लिक स्कूल की कंपैरिजन में कैसा है? क्या हमारी कंट्री में भी किसी रिच पर्सनैलिटी को यंग स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसा ही करना चाहिए? मे बी फ्यूचर में अंबानी फैमिली इंडिया में जियो स्कूल नाम से कोई प्लेटफॉर्म लॉन्च करे जो इलॉन के विजन पर फोकस करता हो। ईदर वे, डू लेट मी नो योर ओपिनियन इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अंटिल नेक्स्ट टाइम।